चलो बेटा चलो परिवार बोले बात नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक चैनल। देखिए इस वक्त मैं आपको बाड़मेर जिला मुख्यालय जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे की तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पर एक बुजुर्ग माँ अपनी बेटी और अपने पति के साथ यहां एक आए हैं और ये पिछले काफ़ी समय से इनके रो रो के बुरे हाल हैं। अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो इनको रोते हुए देखा तो हम यहाँ रुके हैं और इनका पूरा मामला क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। ये बता रहे हैं कि ये सिवाना क्षेत्र से हैं और ज़मीनी विवाद को लेकर पिछले काफ़ी समय से सिवाना क्षेत्र के कुछ लोग इन्हें परेशान कर रहे हैं। काठाड़ी के लोग हैं ये, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दूं कि ये कुछ दिन पहले जिला पुलिस अधीक्षक से भी मिले थे और उन्होंने कार्यवाही की मांग की थी, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, इसलिए आज एक बार पुनः यहाँ पर आए हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई कई नाम है थारो? क्यों गांव है थारो? क्यों हुए की कराया थे यार? कौन है ठाकुर प्रेम सिंह? गाँव रो ठाकुर है। हाँ बड़ी मारपीट करी, कदे करी मारपीट? कदे कदे करी, कितना दिन हुआ है? उते मुकदमा दर्ज कोनी कराए? कौन कौन मार कौन मार मार कर मारपीट करनी है? कौन है? प्रेम सिंह ने, शेर सिंह, पिताजी का नाम है प्रेम सिंह, पिताजी नाम है श्री सिंह, शेर सिंह का पिताजी नाम रम सिंह। मामलो कहीं है कण वास्ते मार पे? जमी थोरी है तो वो ठाकरो और कहीं लान देना? ठाकरो ने देवर दिए थी। अच्छा देवर लेना आयो बेड़ा? देवर ले आई बेड़ा। खत्म कर मन मार कर जे बाबा हालो तो नहीं मिले जब कोई मार के तीन बंद कर दे फिर मार हाथ खोल दे कोई चाहे न बोले कि दही मन इन में जगह मोली बटे मेरा इन जगह पे मार हम लोग ये कई जगह मजा आ रहा है तो जब दो तो लोग बैठा कर रहे थे मार मार जो कि मजा आता तो फिर जाओ मुझे ना खुद तो मार मार गरी थी। देखिए मैं आपको इनकी बात पूरी समझाने की कोशिश करूंगा। इन लोगों का कहना है कि हमारा एक जमीन है गांव में और इनके जो भाई हैं उनका वो कुछ लोगों को लेकर आए, क्या नाम उनका? मीटवन नाम है, वो उनको लेकर आए। उनका कहना है कि वो दूसरे लोगों को लेकर आए और हमारे ऊपर हमला करवाया और पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है, इनका ऐसा आरोप है। तो आज आज क्यों मिलने आए थे? आज देखिए ये इनकी हालत ख़राब, इन लोगों का कहना है कि लगातार हमें धमकियां दी जा रही हैं और हम घर में भी नहीं रह पा रहे हैं। तो एक बार इस वीडियो को शेयर करें ताकि
ये वीडियो उन लोगों तक जाएं जो दावे करते हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था सही है और किसी को परेशानी नहीं हो रही है। तो यहाँ से आपको तस्वीरें साफ नज़र आ रही हैं कि किस प्रकार की यहाँ कानून व्यवस्था है। एक पीड़ित परिवार किस प्रकार से जिला मुख्यालय आकर यहाँ पर अपने आंसू बहा रहे हैं, पीड़ा में हैं। भारत जन आवास योजना के तहत अब हर बाड़मेर वासी अपने घर का सपना कर सकेंगे साकार। 1 BHK 1,99,000, 2 BHK 3,99,000। आज ही ऑनलाइन आवेदन करें। Thank you.